तो फ्रेंड्स, ये जो पिछली वीडियो है हमारे सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, तो हमारा जो कंट्रोल पैनल की सीरीज के अंदर जो वीडियो बनते हैं वो पार्ट वाइज बनते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि ये जो पार्ट वाइज हमारे वीडियो आते हैं, तो आई होप यू कि आप समझ सके ज़्यादा। तो इसलिए हमारा जो पिछला वीडियो आप देख लें, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरह से एक काम होता है यहाँ पर। तो ये वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो जो पार्ट वाइज हो चुकी है या पार्ट बताए आपको, तो आप देख सकते हो। तो उस पार्ट को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा से जानकारी आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ आता है, यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन पैकेज होती है। तो ऑल एप्लीकेशन पैकेज क्या होता है, मतलब कोई एप्लीकेशन है जो प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि मान लो कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, तो एप्लीकेशन पैकेज हुए नोटपैड है, वो भी एक प्रिंट निकालता है, वो भी प्रिंटर है, प्रिंटर में से प्रिंटिंग निकालेगा, और वर्डपैड है वो भी प्रिंटिंग निकालेगा, एमएस एक्सेल है तो भी वो प्रिंटिंग निकालेगा। लेकिन इन सभी में फर्क क्या है, तो उसके अंदर फर्क है एडिशनल फीचर्स। नोटपैड में सिर्फ नोटपैड के अंदर एक लेटर की तरह लिखना होगा, वर्ड के अंदर आप और अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं अपने प्रिंटिंग को, कलर प्रिंटिंग भी निकाल सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें आप वर्ड के अंदर फोटो भी इंसर्ट कर सकते हो, एम एस एक्सेल के अंदर अलग अलग तरीके आप सेट कर सकते हैं अकाउंट की तरह, तो वो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें नोटपैड में नहीं होगी। तो सभी अलग अलग एप्लीकेशन है, तो उसके एप्लीकेशन के पैकेज भी अलग अलग होते हैं। तो उन पैकेज को क्या करना है, आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस होगी यहाँ पर। तो आप दे सकते हैं, एडवांस में जा सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, सिर्फ एचपी के अंदर आपने जो एप्लीकेशन के अंदर आपने जो किया है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंटर और मैनेजमेंट दोनों है, पहले से ही है, तो मैं उसको एडिट करूँगा, डायरेक्टली मैं करूँगा। यहाँ पर लिखा है कि एलो क्या होना चाहिए, तो प्रिंटर के लिए प्रिंट तो करेगा और रीड परमिशन होगा। डिनाई में क्या है, डिनाई में वही चीज़ है, लेकिन डिनाई में निकाल देता हूँ ये चीज़, और ये सिर्फ ओनरशिप चेंज ना कर सके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से होती है। फिर यहाँ पर ऑडिटिंग जो होता है, इफेक्टिव एक्सेस है, तो परमिशन चेंज मस्ट बी अप्लाई बिफोर दे कैन यूज कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सेस। तो वो करना है तो आप ही कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांस में जाकर फाइंड नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिड पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर ओके करना है और फिर ये दे सकते हो यहाँ पर। तो इफेक्टिव एक्सेस भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे देखो प्रिंट कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन मैंने दिस ऑब्जेक्ट नहीं करना। इसको रीडिंग पर परमिशन है, हाँ है, इसको चेंज परमिशन करने की परमिशन है तो नहीं है, यहाँ पर जैसे तो ऑनरशिप की परमिशन है, हाँ है। तो इफेक्टिव असर है एक्सेस होता है, वो बाय डिफॉल्ट भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ग्रुप एंड मेंबर के अंदर भी हो सकता है। तो ये मैं बाकी एक पर्टिकुलर आपको यूज़र के अंदर अब बात करता हूँ, ग्रुप के अंदर। तो मान लो कि मैंने कोई ऐड करना है ग्रुप, तो मुझे यहाँ से यहाँ पर इस विंडो पर क्लिक करना है, ये पूरा ग्रुप और यूज़र है और यहाँ पर उसकी परमिशन का है, ओके। तो यहाँ पर ग्रुप की मैं एडिट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, फाइंड नाउ पर क्लिक करूँगा, अब ग्रुप में चेक करूँगा कौन सा ग्रुप है, तो मैं ढूँढ लेता हूँ कोई ग्रुप। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट टाइप चेक करूँगा, सिर्फ मुझे ग्रुप ही दिखना चाहिए, तो ओके करूँगा मैं। तो यहाँ पर जितने भी हो गए वो ग्रुप ही चाहिए मुझे, तो फाइंड नाउ पर क्लिक करूँगा, तो ये सारे के सारे सिर्फ ग्रुप ही मुझे मिलेंगे। फाइंड नाउ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कहा, उसी सभी ग्रुप है मेरे, तो यूज़र ग्रुप है, तो यूज़र ग्रुप पर मैं जैसे ही क्लिक करता तो ये ग्रुप मिला, और ये ग्रुप है, और मैंने ओके किया, मतलब इस ग्रुप के अंदर 10-15 कंप्यूटर कनेक्ट है सभी यूज़र के अंदर। अब इन सभी यूज़रों को क्या करना है, मुझे एक ही सेटिंग सेट करना है, तो उससे पहले मुझे इस ग्रुप का नाम जो है लिखा है यूज़र पीसी यूज़र, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पीसी यूज़र के लिए ये इस तरह से,
ना मैं करूँगा, चेक करूँगा पीसी यूज़र ये रहा, ओके किया तो ये होगा। ओके अब यहाँ पर इसको अलाउ क्या करना है, प्रिंट का अलाउ करना है, लेकिन एडवांस भी आपको चेक करना, तो फिर वो मैनेज डॉक्यूमेंट कर सकता है लेकिन परमिशन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन परमिशन चेंज नहीं कर सकता तो इसको डिनर में आ सकता है और चेंज परमिशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस तरह देख सकते हो, यहाँ पर तो ओके करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर होगा ये अलाउ पर, और यहाँ पर इसकी जो परमिशन जो होती है वो अलग अलग होती है, यहाँ पर देख सकते हो और डिनाई की ये परमिशन है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती है, अलाउ करना तो क्या अलाउ करना है, प्रिंटिंग करना है, प्रिंटिंग का प्रिंट करेगा तो रीड भी करेगा, रीड करने के बाद ही वो प्रिंटिंग का निकालेगा। तो ये दोनों तो हो गई, और उसको ओनरशिप चेंज करनी है, ओनरशिप लेनी है तो लेना तो ले सकते हैं तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि यही चीज़ रहने दो। फिर मैनेज डॉक्यूमेंट कर सकता है तो करना तो कर सकता है, नहीं कर सकता लेकिन परमिशन चेंज नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ यही है अलाउ रखने दो। दोनों में से कोई भी एक सेटिंग रखो, बाकी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आपका कंप्यूटर ये चीज़ें होती है। ऑडिटिंग मैंने कहा था कि मैंने आपको ऑडिटिंग कहा था कि क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ऑडिटिंग क्या होता है, तो फाइंड नाउ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो यूज़र का ग्रुप है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑडिटिंग आ जाएगा। क्या सभी का ऑडिटिंग मुझे चाहिए, सभी ऑडिटिंग चाहिए मुझे, क्या हुआ फेल हुआ सब कुछ, तो ये ग्रुप का आ गया। देखो यहाँ सब देख सकते हो ग्रुप का, तो फुल कंट्रोल जो होता है उसके ऊपर अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा तो ये भी एक ऑडिटिंग के अंदर आ जाएगा। अगर इसको इफेक्टिव ऐसे एक्सेस देना है तो फिर क्या करना है, फिर से यहाँ पर सेलेक्ट यूज़र करना है, एडवांस में जाना है, सारा खेल इसके अंदर ही है और थोड़ा सा खेल जो है पीछे की विंडो के अंदर ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ध्यान से आप वन बाय वन समझे, फिर एक्सेस जो होता है वो चेक देख सकते हैं आप, तो इफेक्टिव एक्सेस जो होता है वो चेंज है। तो इफेक्टिव एक्सेस क्या करेगा, वो आपकी सारा आपके तरह नहीं करेगा, वो ग्रुप और यूज़र हो कोई भी हो तो ये इस विंडो की तरह से ही ये क्या होगा, इफेक्टिव एक्सेस होगा यूज़र के विंडोज़ के एक्सेस के अनुसार ही होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अपना मत रखो यहाँ पर इस तरह से, तो इफेक्टिव एक्सेस मत रखो, आप अपने हिसाब से रखो। अगर समझ में नहीं आया तो आप इफेक्टिव एक्सेस भी कर सकते हो, फिर अप्लाई कर दो सारा सेटिंग जो होता है वो, और वो क्या करो ओके करो, तो इस तरह से होगा। तो बात होती है कुछ कोई भी हो, दोनों प्रिंटर में से कोई भी प्रिंटर के आप रख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी। फिर बात आती है डिवाइस सेटिंग, तो डिवाइस सेटिंग्स क्या होती है यहाँ पर देख सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स क्या होती है वो आपको समझ देता हूँ। तो डिवाइस के बारे में आपको मैं कहा था पिछले कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर ट्रे होती है हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट प्रिंटर की, मैंने कहा था कि अलग अलग पेज के लिए अलग अलग ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर हमारे पेज होते हैं ब्लैंक पेज होते हैं, जो खाली पेज होते हैं इसके अंदर सिर्फ कोरे कागज कह सकते हैं आप। तो ये पेज के क्यों रखते हैं हम, क्योंकि वो पेज हो गए तभी हमारी क्या होगी सिस्टम के अंदर, ये जो देख सकते हैं आप जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसके ट्रे 1 ट्रे 2 ट्रे 3 ट्रे 4 ये भी ट्रे, लेकिन ये ट्रे जी मैनुअल फील्ड लिखा है, तो किस तरह से आपको कौन सा उस ट्रे में कौन सा पेज रखना है, मतलब मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर मान लो कि कोई बड़ी प्रिंट है, कोई बड़ा सा कोई प्रोग्राम का बड़ा सा कंप्यूटर का कोई डिज़ाइन है या तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी कोई चीज़ का डिज़ाइन है और वो लेटर टाइप के अंदर नहीं आएगा, ये मेरा मान लो कि बहुत बड़ा है वो, तो उस बड़ी चीज़ की जो प्रिंटिंग होती है जो प्रिंटर होगा उसी हिसाब से वो प्रिंटर प्रिंट करे, तो किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये ट्रे 1 के अंदर ये ट्रे 1 2 के अंदर ये है। तो ये जो प्रिंटर होता है तो ऑटो सेलेक्ट जो ऑटो सेलेक्ट होता है तो वो ऑटो सेलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन बड़ी प्रिंटर प्रिंटिंग की निकाल नहीं तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें होती है A4 A3 A4, इस तरह से आपको सेट करना होगा, समझ में आई बात, तभी हुई प्रिंटिंग के अंदर प्रिंटिंग होगी। फिर यहाँ पर इंस्टॉलेशन इंस्टेबल ऑप्शन होता है,
ये भी बहुत काम की चीज़ होती है कि डीलक्स यूनिट कौन सा होता है, आइडल साइड प्रिंटिंग होता है। तो साइड प्रिंटिंग क्या होती है, दो साइड होती है आगे और पीछे, प्रिंटर हार्ड डिस्क होती है, तो प्रिंटर हार्ड डिस्क की प्रिंटर की जो अपनी हार्ड डिस्क होती है वो भी होती है। फिर एक्सेसिबिलिटी आउटपुट बिन होती है, आउटपुट जो होता है हमारा अब प्रिंटर का प्रिंटर हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, लॉजिकली होती है, और कुछ ऐसी प्रिंटिंग होगी कि यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर, आपके प्रिंटिंग के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट सेव करने हैं और फ्यूचर में वही डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो ये कहाँ स्टोर करेगा, तो इसकी ये प्रिंटर हार्ड डिस्क होती है। यहीं पर इंस्टॉल लिखा है, इंस्टॉल हो चुकी है वो। आउटपुट बिन क्या होता है, एक्सेस, तो आउटपुट बिन मतलब जो आपका HP होता है, आउटपुट होता है आपका, तो ये बिन फाइल होती है यहाँ पर इस तरह की। तो मैं नॉट इंस्टॉल ही रखो यहाँ पर। तो प्रिंटर मेमोरी होती है, यहाँ पर प्रिंटर की अपनी मेमोरी होती है, तो उसकी मेमोरी बढ़ानी है घटानी है यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना हो सके उसको मीडियम में रखो और ज़्यादा अपना आपको, तो यहाँ पर चेंजिंग की है कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हाईलाइट किया का रेट कुछ मैंने चेंज किया, तो यहाँ पर हाईलाइट देख सकते हो, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ गया ज़्यादा डार्क, तो अप्लाई किया मैंने, ओके किया, ओके रिफ्रेश मैंने किया तो हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये विंडो के बारे में हमें पता चल गया कि प्रिंटर टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर ये सारा चीज़ जो होता है इस तरह से, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। फिर प्रिंटर सर्वर जो होता है, प्रिंट सर्वर जो होता है हमारा, यहाँ पर इस ऑप्शन है। तो प्रिंट सर्वर क्या होता है, हमारा जो सिस्टम जो होता है वो प्रिंटर सर्वर अपने जो बनाया होगा वो प्रिंटर सर्वर के थ्रू ही काम करेगा। अगर वो अपने एक्सेस नहीं किया है, अपने मान लो कि प्रिंटर जो है वो आपका नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है, सीधा आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो PC बताएगा। अगर आपका कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों सर्वर के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर सर्वर बताएगा, सर्वर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सर्वर PC1 लोकल लिखा है, लेकिन क्या है ये प्रिंटर सर्वर लोकल के लिए, क्योंकि मेरा कोई सर्वर ही नहीं है, पहली बात तो ये है यहाँ कोई सर्वर, इसलिए लोकल लिखा है यहाँ पर। तो इस लोकल पर मैं क्लिक करूँगा तो कितने ऑप्शन होते हैं, 3-4। तो पहला देख सकते हो ड्राइवर्स, तो मैंने कहा था कि हर एक अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप ड्राइवर देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ पर से भी आप देख सकते हो, तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। तो प्रिंटर की जो ड्राइवर होते हैं यहाँ पर होते हैं, क्यों बताया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट आपको पता चले कि कौन सा एनवायरनमेंट के ऊपर कौन सा प्रिंटर किस तरह से काम करेगा, और यहाँ पर कौन सा पैकेज जो देखो इस तरह पर ट्रू है, मतलब सही, सब सही है, सब सही पैकेज चल रहा है, काम कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर फेल लिखा होगा, ये तो फॉल्स लिखा होगा, तो वही से आपको समझ लेना है कि यहाँ पर कुछ गलत है, कुछ प्रिंटर के अंदर गलत है। तो ये चीज़ें होती है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर का नेम है, तो ड्राइवर का नेम जो होता है, यहाँ पर ड्राइवर का देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग नेम है, यहाँ पर डेल का है, तो सभी कंपनी के ड्राइवर अलग अलग होते हैं। तो ध्यान से देखोगे, मैंने सिर्फ 3 ही प्रिंटर इंस्टॉल किए हैं और ड्राइवर 9 आया है, 3 प्रिंटर मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, और यह सिर्फ 9 ड्राइवर बता, क्योंकि हर एक प्रिंटर के अंदर एडिशनल फीचर के साथ साथ इसके ड्राइवर की भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण 2 फाइल या 3 फाइल या 4 फाइल भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे से आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर मेरे केस में ये 3 प्रिंटर है और यहाँ पर 9 फाइल है, तो ये चीज़ें होती। इसका एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट मतलब 64-bit पर काम करेगा या 32-bit पर काम करेगा। ये विंडोज NT 32-bit पर काम करेगा और ये माइक्रोसॉफ्ट इनहेंस पॉइंट एंड प्रिंट कॉम्पेटिबिलिटी ड्राइवर लिखा है, मतलब आपका जो विंडोज NT, मतलब ये पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम थी विंडोज NT, विंडोज 95 के बाद विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम थी विंडोज NT करके, तब सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, कम ही थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज NT जो एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम को सर्वर की तरह ही यूज होता था। तो यहाँ पर उसका भी ड्राइवर है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐड किए हैं 2, और यहाँ पर तीसरा
और चौथा पांचवा। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और छः, तो छः के छः जो होते हैं यहाँ पर प्रिंटर की जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेटिंग्स के लिए, इसलिए ड्राइवर सेटिंग की है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी का हो आपका आपका को प्रिंटर उस हिसाब से चले जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सेटिंग्स वगैरह है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सेटिंग्स वगैरह है, आप कोई भी सेटिंग्स है तो इस सेटिंग्स के थ्रू काम करें। अगर ये सेटिंग्स ही है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती तो इस सेटिंग्स का मतलब ही क्या। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने ड्राइवर सेट किए हैं, और जो हम सेटिंग्स चेंज करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जाती है कहाँ पर ड्राइवर, और ड्राइवर जो होता है वो यहाँ पर कंट्रोल करता है यहाँ पर इस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि ये अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसके पार्ट में के क्या होता है यहाँ पर, किस तरह की सेटिंग्स करना चाहिए हमें और कितना हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।